आरपीटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं भी तो फड़ियावाड़ा में आईला है सबने की काई राय बनी रही। दूसरा जैसे 110 घर अपने पाटिल समाज के 110 घर में से क्यों काशीराम भाई तो लगभग कांग्रेस के कितने घर होंगे? देखो हमारा मिले देखो मैं तो हम बार बार गवाह सचिन भैया आया था मैं पूछो दादा यहाँ प्रयास कर यार यहाँ के लोग क्या है यार क्या कमी है भैया उम्र तुम्हारे उम्र वाले को मार भैया सचिन भाई हम को कुछ कपड़ा देगा जो अपना वोट से 5-10 था वो तो नहीं रहा पर फिर भी अभी अपन जो भैया मांग कर रहे हैं इनका सब न कहे कि बाला भाई जी तुम जुड़ो और वोट दो आज हमको अपन का नहीं देगा कल नए वोट मिलेगा तो हमारी कंडीशन और कंडीशन खराब हो जाएगी। बात बताइए हमको जा जो जिनको जिनको हमने करोड़ों रुपए जो दिए ना हमको वोट नहीं पड़े ये अपन बैठ के ऐसी बात कर रहे हैं और हमने पैसे सब जगह मंदिर और मांगलिक भवनों में इसलिए दिए कि पूरा पैसा हमारा लग जाए कोई खा नहीं सके। पूरा पैसा वो निकल के पंचों को मिलता है और पंच निकालते हैं और वो खर्च करते हैं और जो सांसद ने 5-5 लाख रुपए की राष्ट्रीय प्रतीक्षालय बनाए शायद यहाँ भी था नहीं जगह आप लोगों ने देखे वो 5 लाख के थे मतलब 1 लाख के अंदर का था उसके 5-5 लाख रुपए निकाले हैं। ये भाजपा के अगर कोई कार्यकर्ता भी बात सुन भी रहे इनमें दम है कि पार्टी में बात उनकी पार्टी को ने उठाई कि ये कितना भ्रष्टाचार कर रहे हैं। 5-5 लाख के थे वो जो छतरियां बनाई थी वो 500 बनाई है मतलब 500 मांगलिक भवन बन जाते 500 जगह वो राशियां लग जाती उसको 5 करोड़ रुपए मिलते थे। ये भाजपा जो लोग सिद्धांतवादी बनते हैं मतलब कितना जम के भ्रष्टाचार हुआ था। हमारे से राशि भी लेते हैं और हमको वोट भी नहीं देते हमारा साथ भी नहीं देते फिर हमारे ये जैसे जो लोग जो वोट देने वाले इनका दिमाग खराब होता है। सब बूथों पे हमको मार पड़ी है काट के टिकट दिए होंगे हम ये राजू कौन इनको संतोष कौन हमारे पीछे लगाए हुए है। मैं आपको बोल रहा हूँ जो जो राशि मांगना चाह रहा हूँ मैं दूंगा उससे ज्यादा दूंगा लेकिन पहले आप विचार कर लो और पहले कांग्रेस ज्वाइन करो ठीक है उसके बाद क्योंकि हमको इन सबको भी जवाब देना है नहीं तो हम आप मूर्ख नहीं बनने वाले। सही सही बात है। हमने अभी 50 करोड़ की सड़कें इधर मंजूर करी जहां हमको जो 6-6, 7-7 करोड़ की लीड मिली मेरे को इतना दुख हो रहा था जिस दिन गिनती चल रही थी कि हमने तुम्हारे जो वर्षों से जो मांगलिक भवन बिलवा में मैंने कृष्ण भगवान के पैसे मंदिर के लिए राखी और सब वो समाज के लोगों ने बैठ के इन चीजों को बोली थी योगेश्वर गाँव में क्या हुआ लोगों का हम नहीं बदलते लोगों में पहले सोच और लोगों की यह है कि भाई नेता बदलते हैं लेकिन देख लो यहाँ तो उल्टा हुआ है। तो पहले हमारे जाने के बाद इनको पक्के करो मैंने अगर यहाँ कोई भी अभी घोषणा की तो धनाधन जमाधन धनाधन हमारे पड़े वालों को भी लगेगा पहले हमारे लिए करो तो पहले वो हमारा इंतजाम पहले जो आप जो करने जा रहे हो पहले हम हमारी पार्टी का इंतजाम करें आप हमको विचार करके बता देना 2-4 दिन बाद हम फिर आ जाएंगे कि हमने ये कर लिया है। ये तो देख लो मैंने अभी काशीराम भाई से बोला काशीराम भाई ने क्या बोला भैया यहाँ तो घाटे का सौदा है जिसके लिए हम जो रात दिन जो लोगों के लिए वो करते हैं तो घाटे का सौदा था हम भी क्यों मूर्ख बने फिर थोड़ा बहुत हम मसाला उधर ज्यादा डाले। सही बात सही ये तो साफ दो हाथ से ताली बजती है भाई। देखो अभी ये तो पहले मेरे को फिर ये उधर आतर समा वालों का नंबर लगाना चाहिए लेकिन आप ही आप मतलब अधूरा काम लेकर बैठे हैं तो आप हमारी इस बात को देखो साफ सुथरी बात है नहीं तो फिर ये राजपुर वाले आ जाएंगे चुनाव के समय में न फिर वो इंदौर भोपाल वाले आ जाएंगे न वो फिर दिल्ली वाले आ जाएंगे। क्या हाल कर दिया है नोटबंदी ने जीएसटी ने किसानों के हाल क्या कर दिए हैं
तो इसको इसको क्यों नहीं जनता जनार्दन, ये जो भाजपा 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 फूल फूल करते हैं, क्यों नहीं समझते? आप इस बात को पूरा कर लेना और उसके बाद फिर जब चाहोगे हम फिर आपके बीच में आ जाएंगे, ठीक है? इसको जरा वो करो काशीराम भाई। हाँ भैया भी ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस से तुम ज्वाइन करो, आपको बोला और इतने लोग हम आ रहे हैं भैया पहले वो उस पर विचार करो आप लोग। शुरुआत होगी अभी देने की, मैं तो सब कर दूंगा, बनवा हम तो बना देंगे, लेकिन पहले वो चेक करो आप लोग, हमको वो चाहिए, हमारा काम ही वो है। फिर बाद में ये लोअर बॉइल ये सब सारी चीजें जो है, देखो हम आप लोगों से जानना चाहते हैं भाजपा वोट बनाती नहीं बनाती, हमारा एक कोई सा काम बता दो, हमारी एक कोई सी घोषणा बता दो कि जिसको हमने हमने कांग्रेस ने मूर्ख बनाया हुआ है, बेवकूफ बनाया हो। भाजपा तो साफ हथेली में मतलब हाथी हाथी गायब कर रही है। 2008 के चुनाव में बोला था हम 50,000 कर्जा माफ़ कर देंगे, किसी का एक रुपया माफ़ हुआ? हमने जो 50,000 अभी माफ़ किए, कितनों के माफ़ हुए जरा हाथ पूछे करके बताओ, तुम्हारे माफ़ हुए नहीं हुए 50,000 में? हो गए, हाथ हाथ ऊंचे करो जरा, ईमानदारी से हाथ ऊंचे करो, जिनके माफ नहीं हुए तो कल मैं लिस्ट लेकर आऊंगा। देखो तो शांतिलाल भाई पीछे बोल रहे 50% लोगों का कर्जा माफ हुआ, तो भाजपा ही लोगों को जो लग रहा होगा कि हम कैसे हाथ ऊंचे करें। अभी हम सब्सिडी डाल रहे हैं, अभी हम सब्सिडी डाल रहे हैं बिजली के बिलों में, तो ऐसा नहीं। देखो हम तुम्हारे लिए सब कुछ करें और तुम फुल फुल करते रहो, तो हम इतने मूर्ख थोड़ी हैं। ये हमारे बच्चे अभी, इनको थोड़ी इन सब चीज़ों की खबर है, ये विचार करना पड़ेगा। अभी हम तुमको वो आप हम पूछ रहे हैं कि कितनों का कर्जा माफ हुआ, तो धीरे धीरे हाथ में और बिजली के बिल खेती के हाफ हुए कि नहीं, आधे हुए कि नहीं, मुख्यमंत्री कमलनाथ जी काम कर रहे हैं, बाला बच्चन काम कर रहा है, सीना ठोक के बोलना चाहिए और सीना ठोक के भाजपाइयों को नागपुर में भी जाके चढ़ना चाहिए। 15 साल में क्या किया है कमलनाथ जी और बाला बच्चन ये कर रहे हैं? आप हमारे कार्यकर्ता बनो, भाजपाइयों को ठीक करो, हमको भी लगेगा कि हाँ ठीक, 5 नहीं हम 10 लाख दें, ऐसा जरा जचाओ, ठीक है? चलो अगले अगले बैठक में फिर आएंगे, तब तक आप लोग तय करना, हम माला पेड़ो जो चारों उससे जाम ज्यादा कर देंगे, लेकिन ये सौदत मंजूर है यदि हमारे लोगों के लिए लगेगा कि भाई जो बाला बच्चों को हराता ना, जो जो बत्ती देता उसी को देता है। हमने पांच साल में कौन सा गांव, कौन सा समाज जिसको हमने मांगलिक भवन नहीं दिए, जिनको हमने मंदिरों में पैसे नहीं दिए, भगवानों के मंदिरों में बैठ बैठ के कसम खा खा के दी, और चुनाव आए तो सब खिलाफ गए हमारे। देखो सनगांव में हमने पैसे दिए, संगोदा में हमने पैसे दिए, बिलवा डेम में हमने पैसे दिए, रणगांव में हमने पैसे दिए, और सब जगह में चुनाव हारे। तो भाई तुम केना हिसाब से वोट नाको जो, और केना हिसाब से देता कुछ वोट तुम बनाते हो? तो तुम तय करी ना हमका बताओ जो, अभी इनकी जो मांग थी तुम आप लोग हमका तय करी ना बताओ जो। भाई देखो हम तो अब नई मंत्री था ना, नई सरकार में था, भी हमने सब समाज का पैसा दिया, सारे समाज, कोई एक गांव का कोई सा समाज किसी भी गांव का नहीं बोल सकता है। और कई 15-20 साल से मंदिर अधूरे पड़े थे, मांगली भवन अधूरे पड़े थे, सब जगह राजकीय है हमारा साथ आपको। और भाई नेता को काम तो 5 साल।